स्वागत है आप सबका इंडियन फिल्म हिस्ट्री एंड न्यूज चैनल पर। महाराष्ट्र पर्यटन के साथ 68वें हुंडई फिल्म फेयर अवार्ड्स 2023 का आयोजन 27 अप्रैल 2023 को मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में किया गया। पिछले साल की तरह ही इस बार भी फिल्म फेयर अवार्ड्स एकदम शानदार रहा। देर रात तक चले 68वें फिल्म फेयर अवार्ड समारोह में साल 2022 में रिलीज हुई फिल्मों और उन फिल्मों से जुड़े कलाकारों को उनके बेहतर प्रदर्शन के लिए फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया। अवार्ड फंक्शन की मेजबानी सलमान खान ने को होस्ट आयुष्मान खुराना और मनीष पॉल के साथ की। वहीं समारोह में विक्की कौशल, टाइगर श्रॉफ, जानवी कपूर, गोविंदा और जैकलीन फर्नांडिस जैसे तमाम नामी कलाकारों ने अपने धमाकेदार परफॉर्मेंस से इवेंट में चार चांद लगा दिए। बेस्ट एक्टर राजकुमार राव, बेस्ट एक्ट्रेस आलिया भट्ट। इस बार के अवार्ड सेरेमनी में गंगूबाई काठियावाड़ी और बधाई दो का जलवा रहा। बेस्ट फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी को तो बेस्ट क्रिटिक्स फिल्म का अवार्ड बधाई दो को मिला है। वहीं बधाई दो फिल्म में लीड रोल निभाने वाले राजकुमार राव को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है। वहीं गंगूबाई काठियावाड़ी में अपनी एक्टिंग की छाप छोड़ने वाली आलिया भट्ट को बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया। संजय लीला भंसाली को गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है। सपोर्टिंग रोल के लिए बेस्ट एक्टर अनिल कपूर को जुग जुग जियो के लिए मिला है। वध के लिए बेस्ट क्रिटिक्स अवार्ड संजय मिश्रा को मिला है। तो वहीं बेस्ट क्रिटिक्स एक्टर का अवार्ड भूमि पेडनेकर को बधाई दो के लिए मिला है और तब्बू को भूल भुलैया 2 के लिए दिया गया है। प्रकाश कपाड़िया और उत्कर्षिनी वशिष्ठ को गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए बेस्ट डायलॉग का अवार्ड मिला है। अंकुश गेदम को फिल्म झुंड के लिए बेस्ट डेब्यू मेल का अवार्ड मिला। एंड्रिया केविचुसा को फिल्म अनेक के लिए बेस्ट डेब्यू फीमेल अवार्ड मिला है। जसपाल सिंह संधू और राजीव बरनवाल को फिल्म वध के लिए बेस्ट डेब्यू डायरेक्टर का अवार्ड मिला। ऐसे ही बॉलीवुड से जुड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल इंडियन फिल्म हिस्ट्री को। एंटरटेनमेंट की दुनिया में जॉब्स पाने के लिए फिल्मी जॉब्स ऐप डाउनलोड करें, अवेलेबल ऑन एंड्रॉइड प्ले स्टोर। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लिए इंडियन फिल्म हिस्ट्री की ओर से सौगात, डाउनलोड कीजिए शॉर्ट मनोरंजन ऐप, अब ये उपलब्ध है एंड्रॉइड और iOS में।